गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का विषय है हिंदी, टॉपिक है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इसमें कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो मैं अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञ भी प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उस स्थायी कार्यालय का रूप दिया। प्रश्न नंबर 1 है, युवक ने सबसे बड़ा वेतन किसे कहा और क्यों? मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। 2 है, एक बढ़िया नौकरी छोड़कर उस युवक ने यहाँ राजा के यहाँ चपरासी की नौकरी कर ली, साथ ही मंत्री के प्रति कृतज्ञ भी प्रकट की, क्यों? कारण बताइए। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने का तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था, क्योंकि उसे बादशाह की सेवा का मौका मिला। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? उसके पास नौकरी नहीं थी, वह कम वेतन में गुजारा कर सकता था, वहाँ और आय भी हो सकती थी, वह बादशाह की सेवा करना चाहती थी। सही आंसर क्या आएगा? वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।